हेलो दोस्तों, मैं आज रॉबर्ट कियोसाकी का तीसरा अध्याय आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। सच्चा समान अवसर। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की सलाह कई कारणों से देता हूँ और मैं इस पुस्तक में उन्हीं कारणों के स्पष्ट करूँगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था। 1970 के दशक के बीच किसी समय की बात है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं एक मीटिंग में चलूं जहां एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाने वाला है। चूँकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं कि जो आदतन बिजनेस और निवेश के नए अवसरों के बारे में जाने में रुचि लेता है, इसलिए मैं बैठक में चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि बिजनेस मीटिंग किसी ऑफिस के बजाय किसी घर पर हो रही थी, फिर भी मैं वहां पहुंच गया। उस मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। मैं 3 घंटे की प्रस्तुति को शांति से बैठकर सुनता रहा। मैं उन अधिकतर बिंदुओं से सहमत था कि किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू क्यों करना चाहिए। जिस हिस्से की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वह यह था कि किस तरह उनका बिजनेस उस बिजनेस से अलग था जो मैं बना रहा था। सीधे से कहा जाए तो मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपना बिजनेस बना रहा था, जबकि वे वहां पर एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बातें कर रहे थे जो कई लोगों को अमीर बनाता था। अपने जीवन के उस दौर में मेरा दिमाग इस तरह के नए क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। शाम को मीटिंग के बाद मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि मीटिंग में जिस बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। मेरे जवाब था, यह दिलचस्प है पर यह मेरे मतलब का नहीं है। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यह मेरे मतलब का क्यों नहीं है, तो मैंने कहा मैं अपना खुद का बिजनेस पहले से ही खड़ा कर रहा हूँ। दूसरों लोगों के साथ बिजनेस शुरू करने की क्या ज़रूरत है, मैं दूसरों की मदद क्यों करूँ। फिर मैंने कहा, इसके अलावा मैंने यह अफवाहें भी सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर पिरामिड स्कीमें चलती है और यह गैर कानूनी है। इसके पहले कि मेरा दोस्त आगे कुछ कह पाता, मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया, अपनी कार में घुसा और वहां से चल दिया। 1970 के दशक के बीच में मैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस शुरू कर रहा था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त था। मैं अपने दिन की नौकरी भी करता था और बचे हुए समय में अपने बिजनेस का काम भी संभालता था। जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा था वह उत्पादन और मार्केटिंग बिजनेस था। मैं नायलॉन और वेल्फ्रो सर्फर वाल्टेस मार्केट में पहली बार लाने वाला था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के ठीक बाद मेरा स्पोर्ट्स वॉलेट का बिजनेस चमक गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत अब फल दे रही थी। सफलता, शोहरत और किस्मत मुझ पर और मेरे 2 साझेदारों पर मेहरबान हो गई थी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हमारा लक्ष्य था 30 साल की उम्र से पहले मिलेनियर बनना, और 1970 के दशक में $10,00,000 बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। मेरी कंपनी और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर रन्स वर्ल्ड और जेंट्समैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लिखा जा रहा था। हम खेल जगत के गर्मागर्म नए उत्पादों के जनक थे और हमारे पास सारी दुनिया से बिजनेस आ रहा था। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और सरपट भाग रहा था। इसलिए जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाता तो मेरा दिमाग बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। कई साल बाद जाकर मेरा दिमाग खुलने के लिए तैयार हुआ। इतना ही, इस उद्योग के बारे में कुछ सुनने के लिए और अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। मैंने अगले 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी मानसिकता बदल गई। 1990 के शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक बुद्धि और उसके बिजनेस सफलता के कारण मैं उसका सम्मान करता हूँ।
उसने मुझे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। बिल पहले ही अपने रियल एस्टेट निवेश में काफ़ी दौलतमंद था, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जागने पर मैंने उससे पूछा, आप इस बिज़नेस में क्यों हैं? आपको पैसों की ज़रूरत तो नहीं है ना? ज़ोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल के पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज़्यादा के कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे, इसलिए मैं यह भी जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया, इसलिए मैंने जोर देकर उससे पूछा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर उसने टैक्सेस वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया, सालों से लोग रियल एस्टेट में निवेश के बारे में मुझसे टिप मांगे रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना तत्काल रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझे भी यही सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है कि बिल ने आगे कहा कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश में आने के लिए $50,000 या $1,00,000 की ज़रूरत होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट के मालिक सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसलिए वे ऐसे सस्ते सौदे की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट नहीं देना पड़े, और इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता। मैंने अपने सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सके? वे आपके निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी ज़िंदगी भर की बचत होती है। आप जानते हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी, आदमी नुकसान से डरता है, उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। बिल के साथ मेरी चर्चा कुछ मिनट तक चली, परंतु मुझे जल्द ही हवाई अड्डे के लिए भागना पड़ा। मुझे अब भी यह पता नहीं चल पाया था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, परंतु मेरा बंद दिमाग अब खुलने लगा था। अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानना चाहता था कि उस जैसा अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था। मुझे यह एहसास होने लगा था कि बिजनेस में पैसों के अलावा कुछ और भी था जो महत्वपूर्ण था। अगले कुछ महीने तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में उतरने के उसके कारणों को समझने लगा। उसके मुख्य कारण थे, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिजनेस में आने का यह उसका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि वह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए, मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज़्यादा लोगों को मदद करूँगा तो मेरे पास ज़्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूँ ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने। और मज़े की बात यह है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा मदद करता हूँ, मेरा बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और मैं ज़्यादा अमीर बनता जाता हूँ। अब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ज़्यादा निवेश है और खुद निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा है।
यह आपकी भी जीत मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से मैंने ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सौदे में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोगों को नहीं चाहते। उसे सीखना और सिखाना पसंद है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो सीखना चाहते हैं। बाद में हुई एक चर्चा में उसने मुझे बताया, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थकाने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश में मेरी दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों के साथ काम करता हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम है। मैं मानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है और मैंने फाइनेंस में MBA भी किया है। यह बिजनेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फ़ायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि इस बिजनेस में बहुत से बेहद स्मार्ट उच्च शिक्षित लोग आते हैं जिनकी पृष्ठभूमियाँ विभिन्न होती है। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अशिक्षित हैं। ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियाँ सुरक्षित नहीं रह गई है और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही है। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमने ज़िंदगी के अनुभवों से क्या सीखा है और हम अभी क्या सीख रहे हैं। मुझे सिखाना पसंद है, मुझे सीखना भी पसंद है और इसलिए मुझे यह बिजनेस भी पसंद है। यह एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और यह असली ज़िंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। खुला हुआ दिमाग। तो 1990 में शुरुआती सालों में मेरा दिमाग खुलना चालू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा। अब मैं वे बातें देख पा रहा था जो मैं अपने बंद दिमाग के कारण पहले नहीं देख पा रहा था। मैं अब इस उद्योग के बारे में अच्छी और सकारात्मक बातें भी देख सकता था, जबकि पहले मुझे इसकी केवल बुरी और नकारात्मक बातें ही दिखाई दे रही थी। अब मैं यह भी समझ सकता था कि हर उद्योग की तरह इस उद्योग में भी नकारात्मक बातें भी है। नकारात्मक बातें कहाँ नहीं होती। 1994 में रिटायर होने के बाद यानी 47 साल की उम्र में आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अपना खुद का शोध प्रारंभ किया। जब भी कोई मुझे अपनी मीटिंग या प्रस्तुति में बुलाता था तो मैं सिर्फ इसलिए चला जाता था ताकि मैं यह सुन सकूँ कि वह क्या कहना चाहता था। जिन लोगों की बातें मुझे पसंद आती थी मैं उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में शामिल भी हो जाता था। बहरहाल उनमें शामिल होने का मेरा लक्ष्य ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से देखना चाहता था। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने के बजाय अब मैं अपने खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज़्यादातर लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, ख़ास तौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और इसमें अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत सी चुनौतियाँ में से यह एक है कि खुले दरवाजे नीति पर काम करते हैं जिसमें हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का वह अवसर देती है जिसकी मांग ज़्यादातर समाजवादी चीख चीख कर करते हैं, परंतु इन बिजनेस मीटिंग में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज़्यादा नहीं मिले। यह बिजनेस पूंजीपतियों के लिए है या कम से कम उन लोगों के लिए है जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति। दिवास्वन देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आने जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला। जिनसे मैंने मिला वे बहुत समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिलते थे। जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और
ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था और जिन्हें मैं पसंद करता था। तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया, जब मैं वह देख सकता था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे लोगों दोनों पहलुओं को देख सकता था। इसलिए यह पुस्तक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। चूँकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूँ, इसी कारण से मैं इस उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूँ। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फायदे क्या है। वे फ़ायदे जिनमें सिर्फ बहुत से पैसे कमाने के आगे की संभावनाएं भी छुपी हुई है। मुझे आखिरकार यह बिजनेस मिल गया जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से प्रवाह करता है। वह मूल कारण जिसकी वजह से मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ यह है कि मैंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की मेरी मित्र से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मार्था एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी। मैंने देखा कि हमारी टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉरपोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वे एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह है कि योग्यतम ही बच्चा रहेगा। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कुछ नहीं समझ पाता तो सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं जेरोक्स में काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक खराब रही। रॉन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। जब अब भी सेल्स मैनेजर के शब्दों को सुन सकता हूँ, अगर तुम जल्दी ही अच्छे सेल नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रॉन ने यह सलाह बाद इस्तीफा दे दिया। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकतर प्रकरणों में कंपनियों बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती है। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ अच्छा सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियाँ हैं। अगर आप अपने समय और प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं तो वे भी इनका निवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत नहीं कमाई, परंतु मैं हर उस बिजनेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कद्र करता है। संक्षेप में, 18 से 27 साल की उम्र के बीच में मैं या तो मिलिट्री अकादमी में अपनी कॉलेज शिक्षा हासिल कर रहा था या फिर मैं US मैरीन कोर में था। इन दोनों संगठनों में सचमुच योग्यतम ही बचा रहेगा। सिस्टम के जीवन मूल्य है। अकादमी के अगर आप टीचर को वह जवाब देते थे जो वो सुनना चाहते थे तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे। अगर आप यह नहीं करते थे तो आप फेल हो जाते थे। मेरी मैरीन कोर में अगर आप वह करते थे जिसका आपको प्रशिक्षण दिया गया था तो आप युद्ध में जिंदा बच जाते थे। युद्ध में सचमुच योग्यतम ही जीवित बच पाता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैंने उसे अब कुछ जीवन मूल्यों को बदलना चाहा। मैं जीत हार के योग्यतम या सबसे अधिक स्मार्ट व्यक्ति के बचे रहने के उस खेल को नहीं खेलना चाहता था जिसमें हमने स्कूल में शिक्षा सीखा था। इसलिए richdad.com का सूत्र वाक्य है, मानवता की आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना। हमारा विश्वास है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या ऊंची आमदनी वाली नौकरी हासिल नहीं कर पाता, इसका यह अर्थ नहीं कि वह जिंदगी भर आर्थिक रूप से कष्ट उठाता रहेगा। एक और वजह से हम richdad.com के लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियों का समर्थन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियाँ सब कंपनियाँ नहीं हैं, इसी सूत्रवाक पर काम करती है। आज परीक्षा में अपने सहपाठियों को हराने के बजाय या युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को मारने के बजाय या बिजनेस की दुनिया में अपने प्रतियोगी को मटियामेट करने की बजाय मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो लोग के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में इसी को नुकसान नहीं होता। मेरे लिए यह ऐसा जीवन मूल्य है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। 2003 के शुरू में richdad.com का कैश फ्लो फॉर किड्स
के बोर्ड गेम को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गेम के रूप में शुरू कर रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लासरूम के पाठ्यक्रम के रूप में भी आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम और पाठ्यक्रम इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और बिना विज्ञापनों के प्रदान किया जाता है। हमें बिजनेस में जो सौभाग्य और दौलत मिली उसके बदले में समाज को कुछ देने का यह हमारा तरीका है। यह खुद को यह याद दिलाने का भी तरीका है कि उदार होना लालची होने से बेहतर है। यह आनंददायक खेल और पाठ्यक्रम दुनिया भर के छोटे बच्चों को वही मूलभूत आर्थिक शिक्षा और योग्यता प्रदान करेगा जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। बरसों पहले विटलस ने दुनिया को यह गाना सिखाया, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि शांति को एक मौका दो, और richdad.com पर हम इतना ही कहते हैं कि सभी बच्चों को एक मौका दो, सभी बच्चों को मजबूत मूलभूत आर्थिक शिक्षा का समान अवसर दो। हमें विश्वास है कि शांति लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक यह है कि गरीबी को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए। हमें यह भी विश्वास है कि गरीबी को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका आर्थिक मदद करने के बजाय आर्थिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसे मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी गरीब आदमी को पैसे देंगे तो आप सिर्फ उसे ज़्यादा लंबे समय तक गरीब बनाएंगे। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर के आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही है। ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया की सभी प्रमुख राजधानियों में से विकसित हो रही है, बल्कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तीसरी दुनिया में भी काम कर रही है और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक आशा का संदेश फैला रही है। अधिकतर पारंपरिक कॉरपोरेशन तभी बचे रह सकते हैं जब लोग अमीर हो और उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। यही समय है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो, और ऐसा नहीं हो कि वे पूरी ज़िंदगी सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाए। अगर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और अधिक बढ़ती है तो शांति को मौका देना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला फायदा, अगला अध्याय जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के उस जीवन मूल्य के बारे में है जो कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रदान करती है। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो अगला अध्याय और फायदा आप ही के लिए है। दोस्तों, आज का मेरा जो रॉबर्ट कियोसाकी का तीसरा अध्याय जो आप लोगों को मैंने सुनाया, जो वाकई में अद्भुत है, और इस चीज़ को सुनकर समझकर आप अपने जीवन में अच्छे ढंग से उतार सकते हैं और यहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है, आप सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस होने में कहीं आपको रोरा उत्पन्न नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो निगेटिव होगा, लेकिन आप लोगों के पास नॉलेज है। बिजनेस स्कूल बुक इसलिए ही बनाया गया है जो आप किसी भी सूरत में किसी भी लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। अब लोगों को जब सक्सेस आप बनाइएगा तो खुद ब खुद आप भी सक्सेस हो जाइएगा। इसलिए आप लोगों से नर्म निवेदन है कि इस बिजनेस स्कूल बुक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप स्टडी कीजिए और इससे समझिए कि ये बुक हमें क्या लेसन देना चाहता है, हमें क्या सीख देना चाहता है। तो दोस्तों, मैं इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बिजनेस स्कूल बुक आपके जीवन में हर खुशियां लाएगी। जितना आपको इच्छा होगा आप बड़ा से बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या आप ऐसे भी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत आपको काम का है। और इस बुक को स्टडी करके आप अपने जीवन के मूलभूत आधार जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, लोगों को सक्सेस बनाइए, खुद सक्सेस होइए। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है, जो शायद आज के डेट में अगर देखा जाए तो 4G 5G न जाने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गजट आ गया है, जो कहने का मतलब है कि
एक दूसरा का लोगों का संपर्क नहीं हो पाता है, 10 दिन 15 दिन महीना दिन तक किसी से संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों के घरों पर जाकर बिजनेस कर सकते हैं, लोगों के दुकान पर जाकर बिजनेस कर सकते हैं, खेत खलिहान में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। न जाने आप कहने का मतलब कि जहाँ चाहे वहाँ आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप इसमें आप झंडा लहरा सकते हैं। और दोस्तों हमें आज के डेट में मैंने बिजनेस स्कूल बुक पढ़ा है तो वाकई में कहने का मतलब कि इतना एक्सपीरियंस हमें जो हुआ है, शायद बहुत सारे हमने बुक पढ़ा लेकिन वहाँ से दोस्तों रियल में मैं बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ डिग्री मिला, लेकिन आज के डेट में दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा काम करना है तो बिजनेस स्कूल बुक एक तरह से घाव पर मरहम जो लगाया जाता है ना वो काम करता है। और आपका लाइफ अपॉर्चुनिटी जो है, जीवन में जो अधिक संभावना है सक्सेस होने का, ये बिजनेस स्कूल बुक आपको पढ़ लेने के बाद 100% ये रास्ता, ये अपॉर्चुनिटी देती है जो आप कहीं भी जगह, किसी भी जगह पर, कहीं भी किसी भी लोग से आप मिलकर क्लियर कहने का मतलब बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उत्पाद के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में बता सकते हैं, डेमो करके बता सकते हैं। तो वाकई में ये बुक जितने भी हैं, जो भी मोटिवेशनल बुक है, अगर आप अपने जीवन में लाते हैं, सकारात्मक सोच होता है, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सकारात्मक होइएगा तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे दुनिया में या हमारे कहने का मतलब कि विश्व में जनरली लोग ट्रेडिशनल बिजनेस पर ही फोकस करते हैं, जो आम लोग जानते हैं, हम आप जानते हैं, जो शॉपकीपर बगल का होता है, गांव का भी शॉपकीपर होता है, तो उस ढंग से कहने का मतलब सामान जाके वहाँ से ले आइए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये दावे के साथ सक्सेस बनाने के लिए एक ऐसा मूल मंत्र है, एक ऐसा रामवान है जो वाकई में कहने का मतलब कि अगर अपने जीवन में उतारते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति, तो ये बिजनेस इतना बड़ा आपको धन दौलत शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा दे सकता है जो शायद आप जीवन में कहीं नहीं कभी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही सिखाया गया है बाबू पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छा डिग्री हासिल करो, ज़्यादा नॉलेज गेन करो और सर्विस करो, नौकरी करो। हम लोग के घर में वैसे कोई बिजनेस वाले नहीं है जो बिजनेस का कहने का मतलब कि गाइड किया जाए, कि समझाया जाए कि बिजनेस करो, व्यापार करो। बट मैं, मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ज़्यादातर लोग कहने का मतलब कि देखा जाए तो 95% लोग स्ट्रगल करते हैं, गरीबताई की ज़िंदगी जी रहे हैं, 5% ही राज करते हैं, करोड़पति अरबपति या खरबपति है। लेकिन मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप जीरो से हीरो तक जा सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों कहने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस बिजनेस स्कूल ऑडियो को, आप समरी को आप सुनकर आप 1% भी अपने जीवन में अगर लाते हैं और आपको अगर सफलता मिलता है, तो मेरा ये छोटा सा कार्य किया हुआ न जाने इतना बड़ा सोच करने का मतलब बन के उभरेगा जो शायद हम कल्पना भी जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से ये आशा है कि अगर ये बिजनेस स्कूल बुक ऑडियो सुने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आपका और हमारा योगदान हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, लोगों को बताने का, लोगों को समझाने का और बिजनेस में कदम से कदम मिलाकर सभी लोगों के साथ आगे चलने का, सभी लोगों को लेकर चलने का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्त जो शायद ये लगता है कि आपका सोच और कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना बड़ा सोच हो जाता है, इतना बड़ा सोच कर देता है कि आप अगर धीरे धीरे भी अगर सर करिएगा ना, तो आने वाला समय में आपके पास एक सिस्टम होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो लोग कहता है ना कि
फर्श से कहने का मतलब अर्श तक चला गया एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। लेकिन आप यही ट्रेडिशनल बिजनेस में देख लीजिए, जो आदमी फर्श से अर्श तक गया है तो वो सिंगल आदमी जाएगा, सब लोग नहीं जाएगा। लेकिन ये सिस्टम इतना बेहतर बना हुआ है, आप अगर करोड़पति बन गए तो ज़रूर है कि नीचे वाले लोग ज़रूर है कि लाखपति बनेंगे, ज़रूर है जो कहने का मतलब कि अपना जीवन जो है वो सुदृढ़ करेंगे, अपना घर परिवार को मजबूत कहने का मतलब कि नींव देंगे, मजबूत सुरक्षा देंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से बिजनेस स्कूल समरी ऑडियो सुने होंगे और आप अपने जीवन में उतारिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं सहयोग करूँ, क्योंकि मेरा जीवन जो है अब मानव को ही कहने का मतलब कि सेवा करने के लिए मैं ये शरीर को लगा देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि पूरे इंडिया का जो भी लोग हैं मैं उनसे मिलूँ, विजिट करूँ, उनसे बातचीत करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को डायरेक्ट आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उसको लगता है बुरा, तो वो नहीं, पहले आप दोस्ती कीजिए, रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन बिल्ड कीजिए और उसके बाद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति आपका हर बात मानेगा और बिजनेस में बेहतर भी करेगा। लेकिन अगर आप फ्रेंड सर्किल, आप रिलेशन बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है आपसे, तो सॉरी दोस्तों, ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। ये बिजनेस 100% रिलेशन बिल्ड का बिजनेस है। और जो ही आप रिलेशन बिल्ड करते हैं 100% आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है। तो दोस्तों मैं सारी बातों को मैं अपने विचारों से रखा और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने जीवन में उतारिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप टॉप लेवल पर जाइए, एक ऐसो आराम की ज़िंदगी जो होता है, जो हर कोई राजशाही ज़िंदगी जीना चाहता है लेकिन करना बहुत कम चाहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे बिजनेस स्कूल ऑडियो समरी बुक सुने हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, आप अपने जीवन में उतारिए। सफलता कदमों चूमेगी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तसफल चाखा। अगर आपका कर्म महान है ना, तो आपको महान होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है। मैं भी एक समय था दोस्तों, तो मैं ये सोचता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, मेरा दो होलसेल का दुकान था, चलो मेरा तो ज़िंदगी कट जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा सोच बहुत छोटा था उस समय। सोच जब मैंने बड़ा किया, बुक स्टडी किया, बहुत सारे बुक स्टडी किए हैं, लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि मटेरियल बाय नहीं करना चाहता है, बुक खरीदना नहीं चाहता है, बुक खरीद भी लिया तो पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन रियल में माय फ्रेंड्स, अगर जिस दिन आपने पढ़ने का आदत लगा लिया ना, बुक को अगर दोस्त बना लिया ना, तो ये किताब आपको कहाँ लेकर जाएगा ना, रियल में आपको भी पता नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपने जीवन में एक ही चैप्टर पढ़ने का हैबिट डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। जिस दिन आप ये आदत डाल लीजिएगा ना दोस्तों, उस दिन मेरा मानना है कि आपका सोच भी बड़ा होगा। आप जितने जिसके संपर्क में भी जाइएगा ना, उसका भी सोच आप बड़ा कीजिएगा। और जब उनका सोच जब बड़ा कीजिएगा, तो मेरा मानना है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस बुक समरी को, जो भी 1 से लेके अभी तक 3 पार्ट तक हम वीडियो कहने का मतलब कि ऑडियो बना चुके हैं, वो सभी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप सुनिए कि हम इस समरी ऑडियो के माध्यम से बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ है, जिनके माध्यम से हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया इसको फॉलो कीजिए, सीखिए, समझिए।